अब एक बात जनक जी बड़ी मधुर बात पूछते हैं। जनक जी कहते हैं, गुरुदेव आप इन दोनों कुमारों को लेकर के आए हैं अयोध्या से, तो रथ पे बैठ के आए हैं कि हाथी पे बैठ के आए हैं कि किसी सवारी पे बैठ के आए? तो विश्वामित्र जी ने कहा, हम तो साधु महात्मा, हमारे पास रथ गाड़ी घोड़ा कहाँ, ये तो राजाओं के पास होता है, हम तो पैदल विचरण करने वाले महात्मा लोग। तो जनक जी ने कहा, इनको भी आप पैदल लेकर के आए हो? जनक जी ने कहा हाँ, ये भी पैदल। ओ विश्वामित्र जी ने कहा हाँ, ये भी पैदल आए। भगवान की कोमलता को देखकर, भगवान की सुकुमारता को देखकर जनक जी के हृदय में वेदना होने लगी और जनक जी बोल पड़े, कद्भ्या कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ, ये कैसे पैदल आए होंगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुनि, ये इतनी दूर तक पैदल चलकर के आए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी सुकुमारता, इनकी कोमलता यह व्यक्त कर रही है कि यह पैदल चलने के योग्य नहीं। भगवान कितने सुकुमार हैं, भगवान के चरणारविंद कितने सुकुमार हैं, उस सुकुमारता का चिंतन किया हमारे आचार्यों ने कि भगवान के चरणों का संवाहन लक्ष्मी जी करती हैं अपने करकमल से। तो लक्ष्मी जी से शुरुआत की कि लक्ष्मी जी कितनी कोमल है, पहले इस पे विचार करो। तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में चलती हैं तो वैकुंठ के पार्षद भगवती महालक्ष्मी के लिए मखमल के पावड़े बिछाते हैं और उस पावड़े के ऊपर कमल की पराग बिछाई जाती है। कमल की पराग बड़ी कोमल होती है, कमल के पुष्प को लेकर के ऐसे ऐसे झाड़ो तो उसमें से जो पाउडर निकलता है वो कमल का पराग। कमल की वो पराग जब उस पावड़े पर बिछाई जाती है तब भगवती महालक्ष्मी अपने चरण का विन्यास करती है, लेकिन पूरा चरण नहीं रख पाती। क्यों? बोले वो पराग भी श्री जी के चरणों में चुभती है। पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैः, क्या आचार्यों का चिंतन है। और उनकी इस लीला को देखकर वैकुंठ की जो देवियां हैं, चेटियां, चेटियां माने दासियां, वो सावधान रहती हैं कि कहीं कोई इशारा इनका हो, कोई संकेत हो तो कहीं मुझे समझने में विलंब न हो, इसलिए अपलक नेत्रों से जानकी वो श्री जी की ओर देखती रहती। और बार बार वो दासियां श्री जी की ओर देखती रहती हैं तो उन दासियों के आंख के अंदर जो ऊष्मा है उस ऊष्मा से श्री जी का मुखमंडल कुम्हला जाता है। चेटी भृषालोकितई ही, उन दासियों के बार बार अवलोकन से भगवती का मुखारविंद कुम्हला जाता है, इतनी कोमल श्री जी हैं। पादारुंतु दमेव पंकज रजस चेटी भृषालोकितई, वैकुंठ के पार्षद तो हाहाकार करने लगते, महाराज लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है श्री जी का? हमारे आचार्य कहते हैं श्री जी भगवान के हृदय में रहती हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, भगवान के वक्षस्थल में रहकर भगवान के शांति का संवर्धन करती रहती हैं। हाँ, नहीं तो भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है ठाकुर जी के ऊपर, अनंत अनंत ब्रह्मांड के संचालन की जिम्मेदारी। तो मन कैसे शांत रहे, तो हृदय में रहकर लक्ष्मी जी भगवान को शांति देती रहती। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांत संवर्धिनी, और वैकुंठ में जब भगवान को लेकर पालकी में बैठाकर वैकुंठ के पार्षद भगवान को लेकर के चलते हैं तो भगवान के गले की बनमाला जो है वो जब हल्लोरित तो होती है और कभी कभी ठोकर खाती है छाती पर तो वैकुंठ के पार्षद दोनों हाथ उठा करके क्रंदन करने लगते हैं। हा क्यों? बोले हृदय में तो लक्ष्मी बैठी है, कहीं इस कमल की ठोकर से भगवती श्री को पीड़ा न हो जाए। दोलाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम, ऐसी कोमलांगी भगवती श्री जी हैं। तो जिन श्री जी के चरणारविंद इतने कोमल, उन श्री जी का करारविंद कितना कोमल होगा।
और अपने उस कोमल करारविंद से भगवान के चरण का संवाहन करते समय श्री जी को डर लगता है कि कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण प्रभु के चरणों में पीड़ा न हो जाए, इसलिए अपने कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करते। आप देखते हैं दृश्य में, चित्रपट में, मूर्ति में कि भगवान नारायण के चरणों को लक्ष्मी दबा रही, लेकिन वो अपने हाथों से पकड़ करके नहीं दबाती, केवल अपने हाथों का ऐसे ऐसे इशारा करती, कर कमल की छाया से भगवान के चरण का संवाहन करती हैं, क्योंकि उनको भय लगता है प्रभु के कोमल चरणों में कहीं पीड़ा न हो जाए। इतने कोमल चरणारविंद भगवान के, इस कोमलता का चिंतन किया जनक जी ने, और जनक जी सोचने लगे कथम पदभ्याम इह प्राप्तौ, ऐसे कोमल चरणों से नंगे पांव ये चलकर इतनी दूर आए कैसे, कथम पदभ्याम इह प्राप्तौ, और अगर इन्होंने ऐसा श्रम किया है, इतना श्रम करके ये आए हैं, दुख सह करके आए हैं, तो किमर्थम, किस लिए आए हैं, कोई प्रयोजन होगा, बिना प्रयोजन के कोई इतना कष्ट तो नहीं उठा सकता, और प्रयोजन में भी कोई वस्तुगत प्रयोजन नहीं होगा, अपितु किसी के लिए कोई इतना दुख सह सकता है, किसके लिए ये इतनी दूर चल करके आए। जनक जी का एक ये जनक जी की व्यंजना है, किमर्थम कस्य वामुने, कस्य वामुने, किसके लिए इतनी दूर चल करके ये आए हैं। मन में ये भाव आया, कहीं मेरी बेटी जानकी के लिए तो नहीं आए, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं और मेरी जानकी के योग्य हैं, कहीं विधाता ने ऐसा संयोग तो नहीं रचा। एक बार मन में आया, फिर भगवान की सुकुमारता देखकर जनक जी के मन में भाव आया कि मेरी प्रतिज्ञा है, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी को प्राप्त कर पाएगा। ये इतने कोमल हैं, इनसे धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़े। फिर जनक जी के मन में तर्क आया, इतने कोमल होकर के भी जब ये इतनी दूर चल करके आ सकते हैं तो संभव है इनके द्वारा धनुष भी टूट सकता है। इस प्रकार की अनेक भावनाएं श्री जनक जी के हृदय में समुद्भूत होने लगी और परम आनंद हुआ। और फिर बगल में शतानंद जी खड़े थे, जनक जी के पुरोहित। शतानंद जी ने जब सुना कि ये दशरथ नंदन राम हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि कोसलेश दशरथ के जाए, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। तो शतानंद जी ने मन में सोचा, मेरी माँ का उद्धार तो इन्हीं के द्वारा होना था, अहिल्या का, क्योंकि पिताजी ने कहा था रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदापूता भविष्यति। तो शतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं वो बीच में बोल पड़े, उन्होंने कहा गुरुदेव इन्हीं के द्वारा तो मेरी माँ का कल्याण होना था, क्या आपने इनको मेरी माँ से मिलाया। अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी, शतानंद जी कहते हैं कि मेरी माँ दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता, बहुत दिनों से जो तप कर रही हैं, दुख सहन कर रही हैं, ऐसी मेरी माँ अहिल्या को आपने इनका दर्शन कराया कि नहीं कराया। विश्वामित्र जी ने सारी बात सुनाई, बोले आपकी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ, वो आपके पिता के साथ पतिलोक चली गई। ये सब सुनकर शतानंद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी सोचने लगे अब मैं किसकी प्रशंसा करूं, इन्होंने मेरी माँ का उद्धार कराया और इन्होंने मेरी माँ का उद्धार किया, मैं विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि राम जी की करूं। अगर विश्वामित्र जी की प्रशंसा करूं कि आपने कृपा की और इनको लेकर के आए, मेरी माता का कल्याण कराया, तो कहीं राम जी को मन में दुख न हो जाए कि किया तो हमने, हमारा कोई नाम नहीं। और फिर शतानंद जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी की प्रशंसा करूं तो कहीं विश्वामित्र जी के मन में ये न हो जाए कि लेकर के आने वाले तो हम थे, हमारी कोई चर्चा ही नहीं। तब शतानंद जी ने विचार किया कि गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है और विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन अगर हम करेंगे तो भगवान श्री राम को भी प्रसन्नता हो। गुरु के वैभव में ही शिष्य का वैभव होता है, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा
निहित होती है। अब तो सतानंद जी महाराज ने विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करना शुरू किया। सतानंद जी ने राम जी से कहा, राम ये तुम्हारे गुरुदेव जो विश्वामित्र हैं ये महान गुरु कथा सुनाई जा रही, गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा तो सुननी ही चाहिए, गुरु की भी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यथा देवे तथा गुरु, जैसी श्रद्धा भगवान में हो वैसी ही श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। तस्यैते कथिता हर्था प्रकाशन्ते महात्मना। और यहां तक लिखा है, जैसे भगवान के नाम का जप होता है उसी तरह गुरु के नाम का भी जप होता है, लेकिन अंतर मन में बोल करके नहीं। गुरोर नाम सदा जपेत, ये वाक्य है शास्त्र। सतानंद जी महाराज गुरु जी की कथा सुनाने लगे और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से गुरु जी की कथा सुनने, पूरी कथा सुने, आद्योपांत कई सर्ग में सतानंद जी ने विश्वामित्र जी का ही चरित्र सुनाया है यहां पर, कि ये पहले राजा थे और फिर आपके कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहां पहुंचे, उनकी कामधेनु नंदिनी को प्राप्त करने के लिए आपके गुरु जी से युद्ध किया, उनके पुत्रों को मार डाला, फिर तपस्या करके इन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, फिर इनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आई, 10 वर्ष तक मेनका अप्सरा इनके आश्रम में रही और वहां शकुंतला नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पर लगा दिया। सब कुछ सुनाया सतानंद जी ने और राम जी ने बड़ी श्रद्धा से सुना गुरु जी के चरित्र। कहीं भी राम जी के मन में अपने गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति कोई दुर्भाव नहीं पैदा हुआ। शिष्य का धर्म देखो, आज का कोई शिष्य हो और उसके गुरु जी का वृत्तांत सुनाओ कि तुम्हारे गुरु जी तो पहले ऐसे थे, तुम्हारे गुरुजी ने इतनी हत्या की थी, तुम्हारे गुरुजी ने ये कांड किया था, आज तपस्वी हैं लेकिन पहले ऐसे थे, उसी क्षण व्यक्ति की श्रद्धा डिग जाएगी। लेकिन गुरुजी के सारे चरित्र को सुनने के बाद भी गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बनी रही राम जी, और श्रद्धा दृढ़ हो गई विश्वामित्र जी के चरणों में।